रुड़की से अगली खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दबंगई देखने को मिली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ किया है, पूरा विवाद क्या है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सड़क पर जमकर बवाल मचा है, मारपीट हो रही है, दो लोग एक शख्स को पीट रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। बीच सड़क पर मारपीट की तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की जिले से सामने आई हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुलेआम दबंगई की। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता रैली कर रहे थे। इसी दौरान जिस शख्स को पीटा गया वो पहुंचकर कार्यकर्ताओं से कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों पर सवाल करने लगा, जिससे भड़के कार्यकर्ताओं ने शख्स से मारपीट की और उसे रैली से भगाया। मैं अपनी बाइक ठीक करा रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता अपना पुतला फूंक रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे, तो मैंने उनसे दो चार सवाल पूछ ली कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया। तो उस बात को लेके उन्होंने मेरे ऊपर चार पांच आदमी आए, उन्होंने थप्पड़ मारे, और जिसमें कि उन्होंने बताया कि भाई मैं सरकारी आदमी हूँ, तो उसके बाद भी उन्होंने थप्पड़ मारे। रैली में मौजूद किसी शख्स ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस दबंगई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।